हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी मास्टर चैनल में। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल माइक के बारे में, जो कि गाइस इतना छोटा क्यों है, क्या यार गाइस बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये माइक यूज करने के लिए। तो गाइस मेरे पास जो है वो नॉर्मली एम आई मैक्स का मोबाइल यूज करता हूँ, एम आई मैक्स 2। बट इसमें मैं इसलिए गाइस ये इतना छोटा खुद बनाया मैंने, मात्र मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 30 रुपए भी खर्च हुए। सब मेरे पास कह सकता हूँ जो वर्क लेस सामान पड़ा था, हेडफोन जैक पड़ी हुई थी खराब और ये माइक पड़ा हुआ था। तो गाइस टोटली मिला के एक छोटा सा एक्सटर्नल माइक बना लिया, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी देता है, किसी भीड़ वाली जगह में भी है। तो गाइस आप नॉर्मली जो साइड की नॉइज होती है ना, ये लमसम ये मानिए कि बिल्कुल खत्म ही कर देता है। तो गाइस क्या है इसके अंदर, कैसे बनेगा ये और कैसी है इसकी वॉइस क्वालिटी, सब कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए इसी वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस बहुत सारे लोगों का यार होता है कि यार ब्लॉगिंग वीडियो बनानी है, यार मैं चाहता हूँ कि यार रोड पे एक्चुअली कंडीशन दिखा पाऊँ। तो गाइस आप इसका मल्टीपल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही गाइस आप 360 से नॉर्मली घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात आती है यार मैं फ्रंट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी जो क्योंकि मोबाइल में जो गाइस माइक लगे होते हैं वो टॉप में लगा हुआ होता है या इस साइड लगा हुआ होता है। मैं मोबाइल को इस कंडीशन में कभी भी सेल्फी पकड़ के बनाना चाहता हूँ, तो गाइस जो साइड की नॉइज है वो सबसे पहले लेता है, इस साइड की नॉइज लेता है, बट मेरी फ्रंट वॉइस घूम के जाती है। तो गाइस इस तरीके से वॉइस जाती है, इस तरीके से वॉइस जाएगी। तो गाइस उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन परमानेंट लेके आया हूँ, एक छोटा सा माइक, जो कि गाइस आप क्या जितना सामने व्यू रहेगा ना किसी भी चीज का, गाइस सीधे मेरी वॉइस पे इफेक्ट डालेगा ये, और जो मेरी वॉइस है एक्चुअली वो रिकॉर्ड करेगा। नॉइस का कैंसिलेशन लमसम आप समझ रहे, पीछे से कोई डायरेक्टली हॉर्न बजाता है तो आ सकती है, बट साइड की नॉइस लमसम कैंसिल ही मानिए। जब तक आप बोलेंगे जब तक तो नॉइस नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत आती है तो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो गाइस इसे बनाने के लिए मेनली क्या क्या इक्विपमेंट लगे, तो गाइस वो भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो गाइस एयरफोन जैक जो नॉर्मली होती है 3.4, जिसमें माइक अटैच होता है, गाइस उस चीज का ध्यान रखना है, विदाउट माइक मत लेना क्योंकि उसमें हमें 4 पॉइंट नहीं मिल पाते। और गाइस ये थोड़ी सी वायर जो कि गाइस मेरे एक्सटर्नल माइक था मेरे पास ये रखा हुआ, तो मैंने इसी की इतनी वायर काट ली। तो गाइस ये होता है नॉर्मली कि जो ग्लू गम होती है उसके द्वारा मैंने एक 90 डिग्री एंगल लमसम बना लिया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये टिल हो गया है क्योंकि थोड़ा सा वेटेड है आगे कि साइड की नॉइज ना आए, इसलिए पूरा कवर लगा रखा है मैंने। अनदर हटा दो तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि गाइस मैं इसमें बताऊं आपको, एक्चुअली मैं यहाँ पे रख के सामने वीडियो बनाता हूँ, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल, उसके बाद बताएंगे कि क्या रहेगी इसकी वॉइस क्वालिटी। चलिए फिर शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे आप अपना, ये गाइस मेरे पास एक जो कैमरे में पोर्ट लगाते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट है जो कि आप मोबाइल में नहीं लगा सकते, बट गाइस हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो सीधे सेल्फी माइक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे सिंपली काट देंगे और ये गाइस इतना बेस्ट रहेगा, तो इसे इतना काट देते हैं। यहाँ पे गाइस हमने काट दिया है। एंड दूसरी चीज़ गाइस, आपके पास कोई बेकार एयरफोन पड़े हो तो यहाँ पे गाइस जैसे कि ये है, इसे हटा देते थोड़ी देर के लिए, जैसे कि गाइस ये है। तो गाइस इसके पहले कनेक्शन बता देता हूँ, ये राइट वाले एयर के लिए होता है, ये लेफ्ट वाले एयर के लिए होता है, ये गाइस न्यूट्रल होता है बीच वाला, एंड लास्ट वाला जो होता है माइक का पॉजिटिव होता है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ये चारों के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। और गाइस अब इसका कैसे यूज़ करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल स्टेप में हल्का से काट लेना है इसे पहले, जो कि गाइस 3 वायर निकलती हैं, इसमें येलो किसी काम की नहीं थी, पहले ही कनेक्शन नहीं दिया हमने। तो गाइस अब बचती है इसमें रेड एंड, तो जो हमारा न्यूट्रल है वो थोड़ा सा छोटा है कंपेरिजन टू रेड, हमने काट दिया एंड इसे यहाँ से एंड है, इसे जितना कम छील सके उतना बढ़िया है। एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ शोल्डरिंग, यहाँ पे इसे काट लेते हैं। This one is also the best. So guys, इसे और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये तो कनेक्शन जो है वो हो गए कंप्लीट। एंड हमारे पास एक पोर्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसे इस काम में हमने यूज़ ले लेंगे। एंड फर्स्ट वाला जो कनेक्शन करेंगे गाइस वो करेंगे पहले रेड वाला जो है हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसे इस साइड से कि पता ना चले कि ज़्यादा वायर हमने यूज़ की। एंड रेड वाला जुड़ गया है, अब ब्लैक वाला न्यूट्रल जोड़ देते हैं इधर। जो कि गाइस रेड एंड ब्लैक दोनों ही हमने फर्स्ट क्लास तरीके से जोड़ दिया, तो यहाँ पे इसके चेक को निकाल लेते हैं। तो गाइस लमसम रेडी हो गया है अभी। तो गाइस अब आती है यार बात इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो गाइस अभी मैं इस वीडियो में आपको वॉइस क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी जो कि गाइस मैं एक्चुअल तीन चार कंडीशन में दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने बनाया था तो मैंने इसकी ये वीडियो डाल दी कि इस तरीके से डिवाइस है और बहुत अच्छा एक्सटर्नल माइक काम करता है, बट गाइस मैं एक्चुअल रोड पे ग्राउंड में और कमरे के अंदर बंद होके या एक्चुअल कंडीशन में दिखाना चाहता हूँ। जो ब्लॉगर होते हैं यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी जैसी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर दबा दीजिएगा और आप देख पाएंगे कि हाँ यार एक्चुअल क्या कंडीशन है इसकी। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मैं सोच रहा था बट मैं इसमें का माइक ऑनलाइन मंगा रहा था, तो गाइस मुझे मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ रहा था या गाइस बहुत ही ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा था, बट उसके लिए मुझे पूरा एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ रहा था। बट आप डायरेक्टली कौन सी एप्लीकेशन है मैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप कौन सी एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं कि हाँ यार मेरा एक्सटर्नल माइक वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक्सटर्नल माइक लगा तो लेते हैं यूज नहीं कर पाते। तो गाइस मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो आप नॉर्मली अपने मोबाइल में यूज करेंगे तो आप पता भी लगा पाएंगे हाथों हाथ सेल्फी वीडियो बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात कि हाँ यार मेरा माइक वर्क कर रहा है, मेरी कितनी ऑडियो जा रही है, मुझे कितना तेज बोलना है, कितना हल्का बोलना है, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिकेशन हो जाती है किसी भी माइक को लेके। तो गाइस ये वीडियो तो फिलहाल यहीं पे खत्म होती है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल भी दबा लीजिएगा, इसकी बाकी आगे की वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है आई होप। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।